फिर सानू आ ज्ञान द्वारा परमेश्वर नु मिल सकते इस सब कितने लाया जाता निराकार उत्ते इन्हों बारे समझाते ने ई बड़ी आद पुरख है दाता आपे सच्चा सुन आप सच्चा है जो मेरा खाली खिलाफ प्रदेश देन देन कार वो सच्चा है एना अखरा में जो गुरमुख पूजा तिस सिर लेखना भी लेखा किमें साडा खत्म होगा नहीं तो लेखा देना पैना है पर जे असि इस अखर द्वारा बुझ लिया मालिक नू जिहड़ा इको परमेश्वर है जिन्हें सृष्टि साजिया है साडा लेखा खत्म हो जाएगा साथ तो कोई लेखा नहीं पेगा इन अखर में जो गुरमुख पूजा तिसर लेखना फिर इतने आते कूड़े के अक्षर छड़ देता समझाऊंगा कूड़ा उपमा ताकि किया जा का अंत ना पाया उपमा किसकी करनी है जिदा अंत नहीं पा सकया जिसके अंत पाउन नूं बहुत दुनिया इत्थे चले गई बिल ला के पर कोई भी परमेश्वर का अंत नहीं पा सकया क्योंकि उसका अंत कोई नहीं पा सकता आप उसकी उपमा करनी है पर समझाते ने अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत ना पाए जाहे ए अंत ना जाने कोई बहुता कहिया बहुता होए बड़ा साहेब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ एवड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे को जाने सोए वो बड़ा साहेब है ऊंचे थान ते है कितने साडे तन दे विच सब दे उच्चे थान ते मस्तक जो नेत्रा तो भी उत्ते चले जाता है अपने शरीर च सब तो उच्चा थान है मस्तक जिन्हों आपां जिवें गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दस्सिया वी एक किला जिहड़ा है केसगढ़ जिथे अमृत है सब तो उच्चे थान ते इत्थे साडा ध्यान उच्चे थान चले जाएगा सम करके ईवड़ी सानू कितने लैके जाते उच्चे थान इत्थे आपां चले जावांगे फिर उस नूं जान सकते सिर्फ जान सकते लेकिन कोई अंत नहीं पा सकता इस करके समझाते ने भी उदी उपमा करनी है सेवा करे सोई फल पावे जिन्नी सच कमाया सेवा करेगा ओई फल प्राप्त करेगा जिन्हें सच नू कमा लिया है जिन्हें उसनू जान लिया फिर उसकी सेवा करता है फिर उसनू फल मिलता है जे आपां जाने ही नहीं ਆਪਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਗਾਇਆ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਅਦਿਸ਼ਟ ਦਿਸੈ ਤਾਂ ਕਹਿਆ ਜਾਏ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਕਹਿਆ ਵਿਅਰਥ ਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਅੱਖਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ गंगा अखर कह गया गंगा जबकि अपने भाषा के अखर दूजी जड़ी पंक्ति है दसवां अखर आता है कक्का कक्का गगा गागा यह जो अखर है भी जो असी एक दृष्ट होके इतने उन्ना उच्चा तो चले गए इतने होके भी असी अपने आप नू नहीं समझते हाँ अपने आप नू नीवा ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਨੀਚਾ ਸੋ ਗਣੀਆ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੇਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅਕਸ਼ਰ ਹੈ ਫਿਰ
फिर जाके सानू प्रभु अपना ज्ञान देता है, अपनी मत नहीं बरतनी, इन्ना उच्चा होके भी अपने आप नू कुछ जलाना नहीं, अपने आप नू नीवा समझना है। मतलब समझाते ने गंगा ज्ञान बुझ है जे कोई पढ़िया पंडित सोई। आप सवेरे विचारते पंडित कौन है जिन्हें यह बुझ लिया मालिक न बुझ के फिर अपनी मत छड़ दिती, फिर प्रभु उसनु अपना ज्ञान देता है, फिर वह पंडित बनता है। उसनु सोझी होती अखर का ज्ञान होता जी ये पट्टी लिखी है। सर्व जिया मैं एको जाने ता हम मैं कहे ना कोई। जदों मतलब समझाते ने जा का मन होए सगल की रीना, हर हर नाम दिन घट घट जीना। मन अपने ते बुरा मिटाना, पेख है सगल सिष्ट साजना। दुख सुख जब सम दृष्टे ता नानक पाप पुन नहीं। एक अवस्था है कि सानू फिर सब तो श्रेष्ठ पुरख क्या है, सारे अंदे सर्व पुरख मैं, सगल पुरख मैं, पुरख प्रधान साध संग जाका मिटे अभिमान, आपस को जो जाने नीचा सो गनिया सब दे ऊंचा। जाका मन हो सगल की नीना, हर हर नाम तिन कट कट चीना। मन अपने ते पुरा मिटाना, पेख है सगल सिष्ट साजना। दुख सुख जन सम दृष्टि का, दुख होवे सुख होवे सम करके जाता है। नानक पाप पुन नहीं लेपा, ते पाप पुन तो निर्लेप रहता है दोनों तो, क्योंकि जिथे नाम है उथे ना पाप है ना पुन है। पुन पाप कदों तक, जब तक असी आकार विच हाँ। जब मन निराकार रूप हो गया उदो पाप पुन तो निर्लेप हो जाता है। जब आकार एक आशना दृष्टिता पाप पुन तब कहते होता। जब तारी आपन सुन समार ता बैर विरोध किस संकमार। जब इसका बन चेह न जा तब हर सो को किसे प्यार। जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस मुकुट पर। आपन खेल आवर तीजा नानक करने हारना दूजा। फिर अपना रूप दे विच ज्ञान करवा देता है, फिर इन्ना तो जीव निर्लेप हो जाता जिसनु कहते सारे चो प्रधान है। जिवें धर्मां दे विचो श्रेष्ठ धर्म केड़ा है, सर्व धर्म श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर। निर्मल कर्म जेड़ा है हरि दा ज्ञान देना, यह सारे धर्मां चो श्रेष्ठ है। इहदा ध्यान मार्ग है जिवें आपां सवेरे भी विचारते सी कि दृष्टि नेत्रां दे विच जेड़ा ज्ञान पाउणा है। सगल बाणी मैं उत्तम बाणी, हर को जा सुन रसन बखाणी। जेड़ा ये गुरु दा ज्ञान है इसनू सब तो उत्तम बाणी गया है, जिसनू आपां आनंद साहब दी बाणी दे विच पढ़ते हाँ। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी, बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी। जिनको नदर कर्म होवे हिरदा तिना सुनाणी। ये कर्म केड़ा नदरां दा, उन्हां दे हिरदे च ए समोदी है। पीवो अमृत सदा रहो हर रंग, जप्यो सारंग पाणी। कह नानक सदा गावो यह सच्ची। हुण इत्थे समझाउंदे ने वी फिर होमे खत्म हो जांदी, सारिआं दे विच परमेश्वर नूं दिखदा है। हुण इह अखर चार विचारन तों बाद फिर कक्का शुरू होंदा है। इक दृष्ट हो के जदों इत्थे हो जांदे फिर इतों मालिक सानू कर्म दे विच लाउंदा है। हुण समझाउंदे ने वी जिवें आपां देखदे हाँ साडा उम्र एक बीत जाती है,
ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਬਾਲ ਧੌਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਬਣ ਤੋਂ ਉਜਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਬਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸਾਬਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਧੌਲੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਕਾ ਕੇਸ ਕੁੰਡਰ ਜਬ ਹੋਏ, ਬਿਨ ਸਾਬਣੇ ਉਜਲਿਆ। ਜਮ ਰਾਜੇ ਕੇ ਹੇੜੂ ਆਏ, ਮਾਇਆ ਕੇ ਸੰਗਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੌਲੇ ਹੋ ਗਏ।